अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज सबसे पहले हम सुबह सुबह करेंगे गरम गरम नाश्ता, और नाश्ते में बनाएंगे क्रिस्पी पराठे, चाय और ऑमलेट बनाएंगे। इसके अलावा जी, हम लोगों ने आज खाने में बनाना है चिकन, और चिकन के साथ साथ खाना खाने के बाद जो है वो हम लोग जाएंगे। आज इस्लामाबाद में फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल लगा हुआ है, और उसको जाके इंजॉय करेंगे। फेस्टिवल तो जी हम ज़रूर इंजॉय करेंगे, और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत फूल बनाए हैं जो हमेशा हमारी आंखों को जो है एक अजीब सी खुशी देते हैं, जिसको देख के हमें सुकून मिलता है। लेकिन उससे पहले जी, हम घर के बहुत सारे काम जो है वो अपने समेट के जाएंगे। सबसे पहले जी नाश्ता बनाना है, और नाश्ते से पहले जी मुझे आटा गूंदना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने जो है वो सुबह उठते ही सबसे पहले आटा गूंदना है, और आटे के बाद जी हम अपना नाश्ता स्टार्ट करेंगे। और आटा मैंने गूंद लिया था, उसको 5-10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था ताकि वो अच्छे से जो है वो सेट हो जाए। आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी मुझे बाहर जाना होता है तो मैं अपने घर के सारे कामों को समेट के जाती हूँ, मतलब कि नाश्ता करके जाती हूँ। नाश्ते से फ्री होने के बाद अपने किचन को नीट करती हूँ, उसके बाद बेडरूम्स वगैरह को सेट करके घर को नीट करके मैं जाती हूँ। तो जाहिर सी बात है जी, हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप वापसी पर घर आ रहे होते हैं, कभी कुछ गेस्ट आ रहे हो, अचानक आ रहे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि जब आप घर वापस आएँ और आपका घर जो है वो सेट ना हो, बिखरा हुआ हो, तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए अपनी आदत बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलने लगें तो अपने घर को हमेशा समेट के हर चीज़ को सेट करके निकलें, ताकि जब आप भी घर आएं तो आपको भी खुशी महसूस हो और अपने घर को देख के मुस्कुराएं। तो जी, मैं बना रही हूँ क्रिस्पी पराठे, और आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं कैसे रोटी को बेल रही हूँ और किस तरीके से जो है वो मैं अपनी रोटी पराठा रेडी कर रही हूँ। रोटी बनाने का मेथड भी सेम ही होता है और पराठे भी तकरीबन सेम ही बनते हैं, लेकिन पराठे, स्पेशल पराठे जो हैं वो हमेशा बल वाले बनते हैं और उसमें जो है वो देसी घी लगाते हैं। तो जी, उन पराठों की क्या बात होती है। तो चले जी, मैं बनाती हूँ पराठे और नाश्ता करती हूँ, और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो जी, मैं आ गई हूँ नाश्ते से फ्री होके फ़ौरन से अपने किचन में वापस, क्योंकि मुझे करनी है कुकिंग। और आज मैं बना रही हूँ जी चिकन का सालन। तो जी, इस चिकन बेचारी के साथ जो है ना वो मेरी हमेशा हमदर्दी रहती है, और क्या कह सकते हैं जी, हर चीज़ में इस चिकन को हमें याद करना पड़ता है। चिकन के बगैर हमारी कोई भी डिश जो है ना वो अधूरी है। आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ जी कि ये चिकन हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देती है, हर जगह हमारा साथ देती है, हर खाने में हमारे को जो है वो मज़ा देती है। तो जी, क्या बात है इस चिकन की। वैसे तो जी, किचन में हमारे लिए ये चिकन और आलू, मतलब कि पोटैटोज़, ये तो जी हमारी किचन की जो है वो रौनक है। मतलब कोई भी डिश जो है ना वो इन दोनों चीज़ों के बगैर बनती नहीं है। वैसे सच्ची बात बताऊँ, मैं अक्सर जब चिकन बिरयानी बना रही होती हूँ ना अपनी, तो क्योंकि बॉम्बे बिरयानी में जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कि पोटैटोज़ भी डलते हैं, तो मैं जी चिकन में भी जब अपनी बिरयानी रेडी कर रही होती हूँ तो जी मैं भी उसमें पोटैटोज़ ऐड कर देती हूँ, कि मतलब कि हम लोग भी इस काम में पीछे नहीं हैं, हम लोग भी चिकन के साथ आलू को हमेशा याद रखते हैं। तो जी, चटपटी बातों के साथ साथ मेरा चिकन का सालन हो चुका है रेडी, और मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि जैसे मुझे लग रही है भूख, तो मैंने सोचा चलें जल्दी से जो है वो गावा कट कर लेते हैं। और गावा कट करने के बाद जी, अगर गावा खा रहे हैं और साथ इसके ऊपर काला नमक ऐड ना करें तो जी मज़ा ही नहीं आता। तो जी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग भी खाया करें, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एक तो ये हमारा पेट साफ़ कर देते हैं, मतलब जो भी अंदर हमारे अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, कभी कभी हमें जो है वो बच्चों को या हमें बड़ों को दर्द हो जाता है, तो ये अगर हम गावा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए भी, और एक तरह से समझ लें कि ये आपके अंदर जो जितना भी कोई इशू आ रहा होता है उसको क्लियर कर देता है। तो फाइनली जी, सारे कामों से फ्री होके, मतलब कि नाश्ता बना के और अपना जो है दोपहर का खाना वाना खा के, सारे कामों से फ्री होके अब हम लोग निकल चुके हैं घर से, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अब अपना स्प्रिंग फेस्टिवल इंजॉय करने के लिए। और बस जल्दी से वहाँ जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से फेस्टिवल जो है वो वहाँ पर सब इंजॉय कर रहे हैं और कितना अच्छा लगा हुआ फेस्टिवल, ये भी जाके हम देखेंगे। इसके अलावा जी, मैं आपको दिखाती हूँ इस्लामाबाद में अभी एक नया अंडरपास बना है रावल डैम के पास, क्योंकि पहले ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये अंडरपास बनाया था, ताकि ट्रैफिक जो है वो अच्छे से चलती रहे, क्योंकि अक्सर जो है वो इस रोड पे ट्रैफिक जैम होता था और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी जब मतलब सबकी यहाँ पर छुट्टी का टाइम होता था, ऑफिस का टाइम ऑफ हो जाता था, तो ये सारा रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता था। इसके अलावा जी, आप जो देख रहे हैं वो रावल डैम है, और रावल डैम से होते हुए जो है वो हम अपनी जगह पर जाएंगे।
वैसे पिंडी और इस्लामाबाद के जो है ना वो वेदर में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि पिंडी में जो है वो इतनी ग्रीनरी नहीं है और काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर जो है ना वो मोस्टली गर्मी ही रहती है। लेकिन इस्लामाबाद में जहाँ हम लोग होते हैं वहाँ पे ग्रीनरी भी ज़्यादा है और मौसम जो है वो ठंडा होता है, मतलब कि शाम जो है वो आपकी हमेशा ठंडी हो जाती है और ठंडी ठंडी हवाएँ भी होती हैं। तो जी इसलिए कहते हैं कि प्लांटेशन जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रीनरी नहीं होगी तो आपके पास जो है ना वो वेदर भी अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने आस पास जो है अपने घर के ट्रीज़ लगाएं, प्लांटेशन करें, छोटे छोटे पौधे लगाएं, क्योंकि ये भी जी एक सदका जारिया होता है। कल ये आज ये छोटे हैं जो हम लगाएंगे और कल कुछ अरसे बाद जो है ये बड़े हो जाते हैं और फिर इन्हीं दरख्तों ने हमें जो है वो साया देना होता है, ठंडक देनी होती है। और अक्सर आप लोगों ने भी नोट किया है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग खुद भी जो है वो साया ढूंढ रहे होते हैं कि किसी दरख्त का हमें ठंडा साया मिल जाए तो हम वहाँ पर थोड़ी देर रुक के स्टे कर लें। वैसे जी मुझे ये जगह तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन किया होता है, क्लीनिंग भी होती है और हर चीज़ जो है मतलब कि सिक्योरिटी होती है, आपको बहुत अपना आप जो है वो अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे जो है वो इस सोसाइटी को मेंटेन भी किया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो विलास बने होते हैं और जो यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, आप लोग यहाँ पर सेफ़ एंड साउंड रहते हैं। और मतलब कि ऐसी सोसाइटीज़ जो है ना वो होनी चाहिए आजकल, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के जो हालात हैं मतलब डर लगता है आप लेडीज़ वगैरह को भी बाहर निकलते हुए भी, क्योंकि अक्सर जो है वो वॉक के लिए जाना होता है उन्होंने या किसी भी ग्रोसरी के लिए जाना होता है। तो आप लोग जो है वो अगर इस तरह से इन जगहों पे रहें तो आप लोग को खुद भी सेफ़ फील होता है कि अगर आपने बाहर जाना है तो आप इजीली बगैर किसी खौफ के जो है वो बाहर जाके आप वॉक कर सकते हैं, ग्रोसरी के लिए जा सकते हैं। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हस्बैंड या फादर जो है वो बाहर होते हैं और फिर लेडीज़ को ही सब कुछ जो है वो पीछे मैनेज करना होता है। कुछ लोगों के पास तो खैर हेल्पर्स वगैरह भी होते हैं तो वो भी थोड़ा हेल्प हो जाती है कि आप उनको वहाँ भेज देते हैं, कोई भी ग्रोसरीज वगैरह आपने मंगवानी होती है तो वो भी ईजी हो जाता है। खैर जी हम लोग पहुंच चुके हैं फेस्टिवल की जगह पे, बस अब पार्किंग देखते हैं कि पार्किंग हमें कहाँ मिलती है। तो कार पार्क करके इंशाल्लाह फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने जो है वो हर चीज़ को डेकोरेट किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। वैसे अभी हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो मौसम इस वक्त तो ठीक है, मतलब कि सनशाइन है और क्लाउड्स जो हैं वो दूर दूर तक कभी नज़र नहीं आ रहे, तो मौसम हमें जो है वो अभी नॉर्मल ही लग रहा है। लेकिन फिर भी जो है वो हवा ठंडी है तो हमें थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ लग रही है कि मे बी जब हम यहाँ से जो है वो वापसी करें तो मौसम जो है वो ख़राब हो सकता है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, फ़िलहाल जो है हम अपने फेस्टिवल को इन्जॉय करते। तो जो ये छोटे छोटे जो फेस्टिवल होते हैं इनको ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। ये छोटे छोटे फेस्टिवल्स जो है ना वो हमारे माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं, मतलब इतने कलरफुल फ्लावर्स को देखकर जो है ना वो हम अपनी सारी टेंशन्स को जो है ना वो भूल जाते हैं, मतलब ऐसे जैसे हम सारी टेंशन्स को घर रख के आते हैं। हमें तो जैसे ही पता चला कि जी फेस्टिवल लगा हुआ है, स्प्रिंग फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, तो हमने कहा जी नहीं हम लोग तो लाजमी जाएंगे और जाके देखेंगे कि इस दफ़ा जो है वो फ्लावर्स कितने अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट किए हुए हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर और बहुत से स्टॉल्स भी लगे हुए थे, मतलब कि आप लोग यहाँ खाना भी इंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अपनी जो है वो ड्रेसेस वगैरह बाय कर सकते हैं। घर की डेकोरेशन का काफ़ी सामान था, जैसे कि आप टेबल्स वगैरह देख रहे हैं, टी ट्रॉलीज देख रहे हैं, सॉलिड वुड में थी, बहुत अच्छी थी और बिल्कुल न्यू अराइवल्स थे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी थे जिसमें आप ग्रिल चिकन वगैरह, बर्गर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जी इन फेस्टिवल्स को जो है वो बच्चे इंजॉय करते हैं, क्योंकि बड़े तो बड़े होते हैं और बस वो तो बच्चों की खुशी के लिए साथ जाते हैं उनके, ताकि उनको जो है वो ये सारी रौनकें दिखा सकें, वो अपनी ज़िंदगी के इन छोटे छोटे लम्हों को जो है वो इंजॉय कर सकें। इसके अलावा जी ये टेबल्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि इनके ऊपर सारा जो है वो ग्लिटर वर्क हुआ हुआ था, इसके साथ साथ पेंटिंग्स भी थी, वॉल पेंटिंग्स। और वैसे भी जी जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो माँ बाप जो है ना वो अपनी खुशियाँ अपने बच्चों की खुशी में ही देखते हैं,
तो जी क्योंकि आपको तो पता है बड़ों के ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, इतनी जो हैं वो और इतने लाइफ के इश्यूज़ होते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें जो है ना इन्जॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता। एक्चुअली हम लोग भी जब छोटे होते थे तो हम लोग अपने टाइम में इन चीज़ों को बहुत इन्जॉय करते थे और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें लाजमी लेके जाते थे। मतलब कि कोई भी एग्जीबिशन लगती थी, फ्लावर एग्जीबिशन होती थी, स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते थे, तो हम लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर जाते थे और सबसे ज़्यादा इन्जॉय हम ही कर रहे होते थे और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एक जगह पर बैठ जाते थे क्योंकि वो कहते थे भाई हम लोग तो इतना नहीं चल सकते। और आज वही कंडीशन हम लोगों के साथ भी है कि थोड़ा बहुत तो हम चलते हैं, इन्जॉय करते हैं, स्टॉल्स वगैरह देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और बैठ जाते हैं किसी भी सिटिंग प्लेस के ऊपर। लेकिन बच्चे जो है ना उनका कोई रेस्ट टाइम नहीं होता और वो जो है इस फेस्टिवल को खूब इन्जॉय करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके लिए बहुत सारी गेम्स होती हैं, स्टॉल्स होते हैं खाने पीने के, और मतलब और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें बच्चे जो हैं वो अपने आप को बिज़ी कर ले। इसके अलावा जी ये स्टॉल भी वहाँ पे लगा हुआ था, मतलब कि सैलड कटर था इनके पास और ग्रिल करने के लिए वेजिटेबल्स वगैरह के लिए इनके पास ये न्यू पॉट्स आए हुए थे। मेरे ख्याल से ये किस रेंज में थे मुझे इस वक्त याद नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। वैसे काफ़ी लोग जो है वहाँ पे शॉपिंग भी कर रहे थे, मतलब कुछ जो उनको अच्छा लग रहा था, ये लॉन्ग फ्रॉक्स भी वहाँ पे लगी हुई थी, शेफोन में थी ये, और कुछ लोग जो है वो उसको देख भी रहे थे, बाय भी कर रहे थे। मैंने भी इसमें एक दो फ्रॉक्स देखी लेकिन डिज़ाइनिंग मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। और मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी, जिसको जो डिज़ाइन अच्छा लग रहा होता है वो बाय कर लेता है और जिसको नहीं अच्छा लगता वो छोड़ देता है। इसके अलावा जी खाने के स्टॉल्स पे भी काफ़ी जो है वो रश था, मतलब हर कोई अपनी पसंद का जो है वो खाना वहाँ से बाय कर रहा था। इसके अलावा जी यहाँ पर बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये फेस्टिवल्स वगैरह जो हैं वो बच्चे खूब इन्जॉय करते हैं, पेरेंट्स की खुशी से बच्चों की खुशी में ही होती है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ खुश हैं काफ़ी, उनको झूले वगैरह खिला रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। इसके अलावा जी फ्लावर एग्जीबिशन तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। फ्लावर्स देख के तो जी मैं तो हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश और मेरा दिल खुश हो गया इनको देख के। मतलब कि मैंने तो जी ये फ्लावर का स्प्रिंग फेस्टिवल खूब इन्जॉय किया और इन्जॉय करना भी चाहिए क्योंकि जी यही टाइम होता है। जी हमने आज काफ़ी इन्जॉय कर लिया और सारा विज़िट भी कर लिया है और अब हमें लग रहा है कि मौसम जो है वो अपने रंग बदलना शुरू कर रहा है, मतलब कि अब क्लाउड्स जो हैं वो हमारे करीब आते जा रहे हैं और मौसम ख़राब होना शुरू हो रहा है इससे पहले कि जी बारिश शुरू हो जाए, तो जी सारी गड़बड़ हो जाएगी। और जाते जाते आपको ये भी दिखा दूँ कि देखें ये रेड रोज़ेस कितने खूबसूरत हैं, मतलब अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से हर चीज़ पैदा की। रेड रोज़ है और पिंक रोज़ है, येलो रोज़ है, ऑरेंज कलर है, मतलब कि इतने सारे कलर कुदरत के हैं। तो जी हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हमें ज़िंदगी दी, इसी तरह से इन्हीं फूलों की तरह हर रंग हमें दिया ज़िंदगी का।
तो चलें जी, हम फेस्टिवल से चलने की तैयारी करते हैं वापसी घर की तरफ। इसके अलावा जी, मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया था कि मौसम जो है वो हमें लग रहा है ख़राब, और वही हुआ। देखिए, अब हम बाहर आ रहे हैं और क्लाउड्स जो हैं वो आपके सामने हैं। ये बिल्कुल बारिश वाले बादल हैं और बरसने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जी, मौसम होने वाला है इस्लामाबाद का ख़राब। चलें जी, फिलहाल तो चलते हैं पार्किंग की तरफ और अपनी कार निकालते हैं और घर की तरफ चलते हैं। इसके अलावा जी, रास्ते में जाते जाते नमाज का भी टाइम हो गया, तो चलते हैं पहले मस्जिद की तरफ और नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा जी, मैं मार्केट गई थी, वो क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में एक नई और प्यारी बात के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।